दोस्तों, हजारों सालों से हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ब्रिजेस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पहाड़ी इलाके हों या झीलों नदियाँ, इन्हें पार करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं। इनमें से बहुत से ब्रिज ऐसे होते हैं जिन पर चलना मौत के रास्ते पर चलने के बराबर होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 ऐसे ही खतरनाक, अनोखे और दिल दहला देने वाले ब्रिजेस के बारे में जिन्हें देखकर आप सांस लेना भूल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, रुई ब्रिज। इस ब्रिज को बेंडिंग ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज चाइना में वाक्या है। ये 100 मीटर लंबा है और 140 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। इस ब्रिज को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक ब्रिज के ही अंदर तीन ब्रिज को फिट कर दिया हो, क्योंकि इस पूरे ब्रिज में ब्रिज का एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है जबकि दोनों साइड्स वाले हिस्से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक पतली सी गैलरी को बनाया गया है जिसके नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास पैनल लगाया गया है। इस ब्रिज के कुछ हिस्से प्लेन होने की बजाय स्लोप में है। ये ब्रिज 2017 में बनना शुरू हुआ था और 2020 में ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया था। जैसे ही इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोला गया तो इसकी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गईं और अब ये चाइना का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। नंबर 2, क्रिस्टल ब्रिज। ये चाइना का पहला फुली ट्रांसपेरेंट ब्रिज है। इस पुल की टोटल लंबाई 1037 फीट है और चौड़ाई 9 फीट है और ऊंचाई के लिहाज से ये ब्रिज जमीन से 551 फीट बुलंदी पर बना है। ये ब्रिज चाइना के जजीरे हाइनान में सानिया नामी शहर में बनाया गया है। इस ब्रिज का स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत कलरफुल कांच की सीढ़ियों से होता है जो किसी का भी दिल जीत लें और उस पर इस ब्रिज के खूबसूरत व्यू किसी एनिमेटेड मूवी का मंजर पेश करते हैं। मगर इस ब्रिज की सबसे खतरनाक बात, ये टोटली शीशे का बना है। इस पर चलते हुए आपको ऐसा फील होगा जैसे आप हवा पर चल रहे हों। इसीलिए इस ब्रिज पर चलने वालों को यही मशवरा दिया जाता है कि अपने पांव की तरफ मत देखिएगा। उससे भी खतरनाक बात, इस पूरे ब्रिज पर क्रैकिंग इफेक्ट्स लगाए गए हैं जो हर कदम पर बहुत ही हॉरर साउंड के साथ वर्क करते हैं। इस ब्रिज पर चलने वालों को यही लगता है कि अभी ये ब्रिज टूट जाएगा। इस ब्रिज की एक और दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रिज का अहतमाम एक बहुत ही खतरनाक ग्लास स्लाइड पर होता है। नंबर 3, इनकॉम्पिटेंट सस्पेंशन ब्रिज, जापान। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पुल कहा जाए तो गलत ना होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिज सदियों से मेंटेनेंस से महरूम है। यहाँ के मुकामी लोग इसे लावारस पुल भी कहते हैं। इसे यहाँ के मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत वक्फे वक्फे से रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि जंग और पुराना होने की वजह से यह अक्सर टूट फूट का शिकार रहता है। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए ये ब्रिज किसी नेमत से कम नहीं। ये ब्रिज जापान की सिटी चिचिबुआ में वाकया है। इस पुल के बारे में मशहूर है कि इस पर चलना मौत के रास्ते पर चलने के बराबर है, क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग गिरकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दरअसल ये ब्रिज यहाँ पर मौजूद माइन में पानी के पाइपलाइन भेजने के लिए यूज किया जाता था, जिसे बाद में लोगों ने जंगल अबूर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये ब्रिज जमीन से 164 फीट की बुलंदी पर बना है, वो भी जंगल के बीचों बीच, और यहाँ पर हवा बहुत ही तेज चलती है। आपको हर कदम पर ऐसा लगेगा जैसे या तो आपके पांव के नीचे से लोहे की ये रॉड निकल जाएगी या फिर तेज हवा आपको नीचे गिरा देगी। नंबर 4, मुसोत्सुरी ब्रिज, जापान। ये ब्रिज जापान के टाउन क्वानेहुन में वाक्या है। जापान के टीवी प्रोग्राम्स में इसे जापान का सबसे खतरनाक ब्रिज कहा गया है। ये सस्पेंशन ब्रिज दरिया को अबूर करने के लिए दो पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है। ये पुल वायर्स के ट्रैक पर लकड़ी के बोर्ड से बना है। इस पर रखे लकड़ी के बोर्ड्स पुराने होने की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। आपको महसूस होगा हर कदम पर शायद अभी ये लकड़ी का तख्ता टूट जाएगा। उस पर तेज हवाओं की वजह से ये पुल हर कदम पर तेजी से कांपता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी आप नीचे मौजूद नदी में गिर जाएंगे। ये पुल इतना पुराना और बुरी हालत में है कि कहीं कहीं से तो लकड़ी के ये बोर्ड ही गायब हो चुके हैं। ये पुल जमीन से 262 फीट ऊंचाई पर बना है और ये 460 फीट लंबा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रिज 1970 की दहाई में बनाया गया था, मगर ये 2006 में जापान के टीवी शोज में मंजरे आम पर आया तो देखते ही देखते ये जापान का फेमस डेंजरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। मगर खतरात को मद्देनजर रखते हुए इस ब्रिज को जुलाई 2010 में बंद कर दिया गया था, मगर एडवेंचर के शौकीन लोग आज भी इस ब्रिज पर चढ़ने से बाज नहीं आते। नंबर 5, गुदार ब्रिज, दाईकुंडी, अफगानिस्तान। ये इंतहाई खतरनाक ब्रिज अफगानिस्तान के सूबे दाईकुंडी में नीली डिस्ट्रिक्ट में वाकया है, जो एक रिवर पर बनाया गया है। ये ब्रिज इस गांव के मुकामी लोगों ने खुद बनाया था। इस ब्रिज की लंबाई 50 मीटर है। सैलाब के मौसम में ये पुल इंतहाई खतरनाक हो जाता है। इस पुल से गिरकर अब तक बहुत से लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं।
नंबर 6 हो ची मिन ब्रिज वियतनाम, इसे दुनिया का सबसे लंबा बैम्बू ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज की टोटल लंबाई 300 मीटर है। वियतनाम आने वाले टूरिस्ट इस ब्रिज पर हैवी बाइक से राइड करना बहुत ही पसंद करते हैं। ये ब्रिज यहाँ के मुकामी लोगों ने खुद बनाया है। ये ब्रिज जिला नोंग रिवर पर बनाया गया है। ये इंतहाई खतरनाक ब्रिज है। इस ब्रिज पर बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ सर्दियों और नमी वाले मौसम में। इसीलिए स्पेशली सर्दियों के मौसम में इस ब्रिज को गिरा दिया जाता है और हर साल गर्मियों के मौसम में नए सिरे से नया ब्रिज बनाया जाता है। दोस्तों इन लोगों की कारीगरी पर इन्हें एक लाइक तो बनता है। दोस्तों डेंजरस ब्रिजेस पर यह हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 7 नेपाल ब्रिजेस। दोस्तों खतरनाक ब्रिजेस की बात की जाए और नेपाल का जिक्र ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं। इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि नेपाली बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े, इन्हें खतरों से खेलने का शौक होता है। खतरनाक रोड्स की बात की जाए या फिर खतरनाक एयरपोर्ट्स रनवे की या फिर खतरनाक ब्रिजेस की, नेपाल का जिक्र जरूर होता है। इनके ये बच्चे मौत से खेल कर रोज स्कूल जाते हैं। बस्ती नेपाल के बैनीघाट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बहुत से तार से बने पुल हैं जो त्रिशूली रिवर पर बनाए गए हैं। इसके अलावा ढैंग विलेज में भी बच्चे स्कूल जाने के लिए इस नदी को पार करने के लिए केबल के सिर्फ एक लूप का इस्तेमाल करते हैं, जो इंतहाई खतरनाक है। 2010 में 5 लोग ये पुल पार करते हुए नदी में गिरकर मौत के मुंह में चले गए थे। इसके अलावा आए रोज यहाँ बहुत से ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसके अलावा द्रायकर नाली पर बना ये खतरनाक ब्रिज यहाँ के मुकामी लोगों ने कई साल पहले सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों से बनाया था, जिसे बाद में लोहे की तारों से अपग्रेड किया गया था। ये पुल भी इंतहाई खतरनाक है, जिस पर चलते हुए अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 8 क्वांटिन स्काई ब्रिज रशिया। दोस्तों इस खतरनाक पुल पर सिर्फ हिम्मत वाले लोग ही ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव करना तो दूर की बात, इस पर तो कोई पैदल चलना भी पसंद नहीं करेगा। इस पुल की चौड़ाई तकरीबन 6 फुट है और दोनों तरफ गहरा दरिया है। इस पर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं है। इस पुल के इर्द गिर्द वायर या सिक्योरिटी के लिए कोई भी चीज नहीं लगाई गई। सर्दियों में यह और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि बर्फ की वजह से हद से ज्यादा फिसलन होती है। इसकी सतह लकड़ी के बोर्ड से बनाई गई है। ये पुल बहुत ही पुराना है। जब से ये पुल बना है तब से इसे रिपेयर नहीं किया गया। इस पुल की लंबाई 1870 फीट है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डेंजरस ब्रिजेस का पार्ट 3 भी बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।